भाईचारा ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन झज्जर व संयुक्त ट्रांसपोर्ट मोर्चा के प्रधान मंगल गुलिया लाडपुर सहित प्रभारी धर्मवीर छारा, सेक्रेटरी विनित दलाल, पूर्व प्रधान संजय लगरपुर, सह सचिव राजेश लाडपुर, सुनील सुरखपुर, सतीश गुड्ढा, सुनील कुमार काद्यान, नवीन बादली, देवेंद्र खेड़ियासरा, नीटू छारा कैशियर, शिव कुमार गिरावड, वीरेंद्र महराणा, मोनू मुंशी, विजय मुंशी ने बताया कि वार्षिक भंडारा हनुमान जी का तीसरा वार्षिक भंडारा व रागणी कॉम्पिटिशन का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक 2 सितंबर 2023 को प्रातः 8 बजे हवन, 11 बजे भंडारा व 12 बजे रागणी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है सब्जी मंडी झज्जर में। समारोह में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि व क्षेत्र के गणमान्य जन इस समारोह में शिरकत करेंगे। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कहना है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में और इस समय मैं मौजूद हूँ झज्जर जिले में और झज्जर जिले में यह तीसरा बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जिसकी सूचना मैं आज आपको लाइव के माध्यम से देना चाहता हूं। द ट्रक भाईचारा ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन के सौजन्य से हनुमान जी का यह तीसरा विशाल भंडारा रागणी कंपटीशन सम्मान समारोह के तहत आयोजित किया जा रहा है। उसकी पूर्व संध्या पर इस समय मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ तमाम वो ट्रक ऑपरेटर भाई हैं जो ट्रांसपोर्ट का कार्य करते हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। कार्यक्रम का जायजा हम ले रहे हैं। भाई मंगल गुलिया जी और उनकी जो टीम है, जैसे कैशियर भाई हैं, जो तमाम साथी हैं, पूर्व में प्रधान हैं, तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। तो आइए कार्यक्रम की सूचना ले लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। मंगल भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय भाई, आपका और आपके सभी दर्शकों को राम राम। और मैं सभी दर्शकों को आपके माध्यम से कल होने वाले वार्षिक भंडारे और आयोजन में आमंत्रित करता हूँ। पूरी यूनियन की तरफ से, ट्रांसपोर्ट मोर्चा की तरफ से, ऑल इंडिया भाईचारा ट्रक वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आप सभी आए, प्रसाद लें और रागनियों का आनंद लें। हनुमान जी का भंडारा, ये तीसरा भंडारा है जो आपने लिखा है अपने निमंत्रण पत्र में लिखा है, तो तीसरा यह कार्यक्रम है। और रागनी का क्या स्वरूप रहने वाला है, क्योंकि रागनी को लेकर के भी लोगों में बड़ा उत्साह है। कौन से कलाकार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, भंडारे का टाइमिंग क्या है, इन सब की जानकारी आप दें तो बेहतर रहेगा। संजय भाई, मैं बताना चाहूंगा, ये अब मेरे को 5 साल यहाँ पर ताना बनाया, भाईचारे ने आशीर्वाद दिया जी यहाँ पे बने हो गए। बीच में 2 साल लॉकडाउन का आया था, कोरोना काल आया था, उसमें तो हम भंडारा नहीं कर पाए थे, लेकिन ये हमारा तीसरा वार्षिक भंडारा सब पूरी यूनियन के सहयोग से चल रहा है। और इसमें हमने बाबा हनुमान जी का देसी घी का शुद्ध देसी घी का भंडारा किया है और उसके साथ साथ हमने रागनियों का आयोजन, क्योंकि आप अपनी पुरानी संस्कृति से परिचित हैं, ट्रक ड्राइवर, ट्रक मालिक भाई बड़े ही इसके लुभावना पल होता है, जो रागनी बड़ा पसंद करते हैं, तो उनके मनोरंजन के लिए और सभी दर्शकों के लिए, जनता के लिए हमने ये रागनी का आयोजन किया। इसमें बड़े बड़े अच्छे अच्छे कलाकार, अपना विकास पासवरिया, आजाद खांडेवाला जी और आरसी मैडम और अन्य बहुत नए नए और अच्छे अच्छे पुराने पुराने कलाकार यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि रागनियों का भरपूर आनंद ले, बड़ा ही अच्छा मनमोहक कार्यक्रम होने वाला है। बिल्कुल। और देखिए, तीज त्योहार, मेले, भंडारे, ये हरियाणा की संस्कृति की पहचान है, मनोरंजन का साधन है, जैसा कि मंगल भाई ने भी बताया और हम सब भी जानते हैं। हरियाणवी संस्कृति जो हमारी रागणियां हैं, वो हमारी पुरातन पद्धति को प्रदर्शित करती हैं, हमारी सामाजिकता को, भाईचारे को, किस्से कहानियों के माध्यम से वो हमारी हरियाणवी की जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देती है। यहाँ पर देसी घी का भंडारा है, हनुमान जी का भंडारा है और रागणियां भी हैं। और कार्यक्रम की और अन्य जानकारी लेने के लिए हमारे साथ सचिव महोदय हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? विनीत कुमार जी। कहाँ से हो आप? छारा से। तो जो कार्यक्रम का शेड्यूल है, जैसे इसमें कुछ हवन वगैरह भी रखा आपने? बिल्कुल जी, सुबह 8 बजे हवन है, 12 बजे तक मतलब भंडारा चालू हो जाएगा। अच्छा। तो आपके चैनल के माध्यम से आस पड़ोस के सभी लोगों से कहना चाहूंगा, काम को हट के कोई ज्यादा संख्या में प्रसाद पाए। 4 बजे के बाद रागनी और बजे डांस वगैरह का प्रोग्राम भी रखा। चलिए, क्या नाम है भाई साहब, क्या परिचय है? राजेश कुमार जी। कौन से गाँव से हो आप? लाडपुर से। तो भंडारे के विषय में क्या कहना चाहते हो, कल का जो कार्यक्रम है? भंडारे के विषय में ये कहना चाहते हैं जी, देसी घी का भंडारा है और अपने रागनियों का मनोरंजन है। सभी भाइयों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट, ज्यादा से ज्यादा भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें और अपना आनंद लें। बिल्कुल। और आप सब के पास ये सूचना पहुंची गई होगी कि भंडारा है और भंडारा जो है वो भाईचारे का प्रतीक माना जाता है, जहाँ सभी जाति, समुदाय, क्षेत्र, गरीब, अमीर लोग एक साथ बैठ करके पतलों पे, प्लेटों पे भोजन ग्रहण करते हैं, जहाँ जातिवाद, क्षेत्रवाद और राजनीति से परे ये एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें भाईचारे का महत्व होता है। और इन्होंने अपने संगठन का नाम भी भाईचारा ट्रक वेलफेयर एसोसिएशन रखा है। जी सतीश गुड्डा, कुछ कहना चाहेंगे प्रोग्राम को लेकर? भंडारा, देशी सारे भाई आओ, आराम से बैठो, भंडारे का।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और देखिए किसी भी यूनियन के लिए, किसी भी संस्थान के लिए सफलता खुशी का माहौल होता है। पांचवा यह कार्यक्रम है, लेकिन कोरोना की वजह से बीच में डिस्टर्ब हो गया था दो साल, तो तीसरा यह कार्यक्रम रहेगा। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? नाम कृष्ण। कौन सा गाँव भाई साहब? छारा। तो भंडारे में तो आओगे आप? सबको भी बुला लो, एक बार नौता दे देते। सारे भाई आइए भाई जी, सबका निमंत्रण है ना? जी 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 भाई साहब। सुनील कुमार का जहाँ भाई साहब देरी से जी, भाईचारा ट्रेड यूनियन का हमारा बहुत बढ़िया भाईचारा है, और हमारे प्रधान मंगल पुड़िया की अध्यक्षता में ये भंडारा हो रहा है हनुमान जी का, और सभी से अनुरोध है कि भंडारे में आए, प्रसाद ले और रागने का आनंद ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ पूर्व प्रधान है, हमारे साथी भी हैं। तो कल के इस आयोजन को लेकर के तैयारियां कैसी चल रही हैं? आपसे तो मैं सीधा ये सवाल करता हूँ, तैयारियां कैसी हैं? भाई साहब सारे भाई इकट्ठा होकर तैयारी लग रही है, पर कढ़ाई चढ़ रही है। अच्छा, और बढ़िया प्रोग्राम, बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहने वाला है। बिल्कुल। चलिए तो कुछ और साथियों से भी जुड़ते हैं। जी क्या नाम है भाई साहब? देवेंद्र जी। तैयारी कैसी चल रही है भंडारे? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। अच्छा, सभी भाइयों का सहयोग है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। जी क्या नाम है भाई साहब? कुलदीप। अच्छा, कौन सा गांव है? मेरा गांव खेड़ियासरा। खेड़ियासरा, हाँ जी, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। हाँ। सभी भाइयों से निवेदन है, सभी भाई आए भंडारे में, आनंद ले भंडारे का भी और रागनी का कंपटीशन का भी आनंद ले। बिल्कुल बिल्कुल। तो नवीन भाई पूरी तरह से तैयारियां हैं सारी? हाँ भैया, ठीक चल रहा है काम? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? राम। कौन सा गाँव है जी? बादली गाँव है। ठीक है, बाबा जी हो रहे आप तो। चलिए तो दोस्तों देखिए, इस तरह के जो आयोजन होते हैं, जो अपने धार्मिक सामाजिक आयोजन है, ये हरियाणा की पहचान है, हरियाणा की संस्कृति की पहचान है। और ट्रक यूनियन ने ये बहुत बड़ा काम किया है, सभी भाईचारे को आमंत्रित किया है, सभी लोग यहाँ पर एकजुट होंगे, एक साथ भोजन करेंगे, भंडारे में प्रसाद ग्रहण करेंगे, एक दूसरे से मुलाकात होगी, फोन नंबर का आदान प्रदान होगा, एक दूसरे से जान पहचान होगी। कुछ राजनीतिक दलों को भी आपने आमंत्रित किया है? जी संजय भाई, आपने से पूछा, याद दिलाया, हमारे इस आयोजन में हर वर्ष की भांति बड़ा ही मुख्य अतिथि जो हमारे इस आयोजन में रहने वाले हैं, सबके सहयोग से, सबके इच्छा अनुसार ओम प्रकाश धनखड़ जी रहेंगे, और हमारे यहाँ के पूर्व सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी वो भी वर्तमान में राज्यसभा सांसद, वर्तमान में जो राज्यसभा सांसद वो भी यहाँ रहेंगे, और सभी स्थानीय नेता, यहाँ किसी पार्टी से कोई परहेज नहीं है। बहुत बढ़िया। ये जो हमारा नाम ही एक सार्थक है कि भाईचारा। बिल्कुल, ये राजनीति से दूर हटकर भाईचारा है, यहाँ सब जो भी आ रहे हैं सब हमारे लिए पूजनीय है, सब हमारे लिए सम्मानजनक है, हम उनका तय दिल से सम्मान करेंगे, और सबका चाहे वो किसी जेजेपी पार्टी से, जैसे हमारे वाइस चेयरमैन है मास्टर राजीव जी, कप्तान प्रधाना जी है, हमारे विक्रम कादयान जी हैं, और डॉक्टर रघुवीर कादयान जी है, सभी स्थानीय नेता डॉक्टर कुलदीप वस जी हैं, सभी यहाँ पहुँच रहे हैं, नरेश प्रधान जी हैं इनेलो से, सभी का यहाँ पूरी यूनियन अपनी दोनों बाहें फैलाकर तहे दिल से उनका स्वागत करेगी, और एक अच्छा मनमोहक और बड़ा ही ऐतिहासिक सम्मान समारोह होने जा रहा है। तो मैं सभी जनता से अनुरोध करूँगा कि वे आए और इस आयोजन का, इस केंद्र का अपना गवाह बने, अपना आहुति डाले इस यज्ञ में। उन्हें आपको ये दोबारा कहना चाहता हूँ कि सभी साथी आए और भंडारे में जितना ज़्यादा ज़्यादा अपने यहाँ पे श्रद्धालु आए, प्रसाद ले और रागनी भान। हाँ जी, मेरा नाम नरेश नाथ और मैं एक ड्राइवर भाई हूँ। देखो ऐसा है, अब ड्राइवरों के लिए ये बताते हैं, जो हमें गाड़ी चलाते हैं, शाम को 100 घर में चूल्हा जलता है, हम भूखे सो सकते हैं, बाकी 99 घर नहीं, रोड पे होटल वाले से, टायर पंचर वाले से, मिस्त्री से, पेट्रोल पंप से, और बड़े बड़े फाइनेंसर वाले, बड़े बड़े बैंक वाले, उनके लिए भी हम ही कमा के देते हैं, बाकी फिर हम रोड पे चलते हैं, हमारे लिए कोई सुविधा कोई नहीं है, हमें रोड पे इतनी समस्या आती है बहुत ज़्यादा, जगह जगह बाहर पुलिस वाले तंग करते हैं, जगह जगह बॉर्डर पर दिक्कत आती है, तो मैं सरकार से ये भी कहता हूँ अगर ड्राइवरों के लिए भी कुछ सोचा जाए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, अगर इस ट्रांसपोर्ट महकमे को अगर ज़्यादा मतलब थोड़ी सुविधा दी जाए, इतनी परेशानी नहीं की जाए, ज़्यादा बॉर्डरों पे एंट्री सेंट्री है, पुलिस वाले परेशान करते हैं, दिक्कत करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। मैं नितिन गडकरी से कहना चाहता हूँ अगर ड्राइवरों के लिए भी कुछ सोचे, इतनी समस्या होते हुए भी रात दिन हम चलते हैं भूखे प्यासे, और फिर भी रोड पर हमारे लिए कोई भी सुविधा नहीं मिलती। जय हिंद। जय ठीक। बिल्कुल दोस्तों, तो सूचना आपके पास पहुँच चुकी है, कल का दिन यानी कि 2 सितंबर का दिन है, और यहाँ पर
हवन के साथ शुरुआत की जाएगी। जैसा कि सचिव साहब ने जानकारी दी है, हवन के साथ प्रातः इस महा आयोजन की शुरुआत होगी। उसके बाद देसी घी से जो निर्मित है हनुमान जी का भंडारा, और उसके बाद मनोरंजन के लिए हरियाणवी रागनी, और उसके साथ सम्मान समारोह को लेकर के भी आपने कुछ जिक्र किया है। जी, यहाँ पर एक मैं बीच में रह गई थी, हमारे लिए बड़े गौरवपूर्ण जो अतिथि हैं हमारे, मैं बताना चाहूँगा अर्जुन अवार्डी सबसे ज़्यादा जिनके विदेशी टूर रहे हैं, हमारे आदरणीय पहलवान रमेश गुड़िया जी जो हरियाणा पुलिस में अभी DSP हैं, वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं, हमारे लिए बड़ा ही गौरव का विषय है। और हमारे यहाँ हेड ऑफिस से हमारे परम आदरणीय बड़े भाई DSP गुलाब सिंह जी, वो भी यहाँ पहुँचेंगे। सभी जितने भी महान समाज सेवी हैं सभी यहाँ पहुँच रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है कि इस भाईचारा ट्रक वेलफेयर से इतना प्यार प्रेम हमें मिल रहा है। ये सभी जो मेरी यहाँ पे इस यूनियन की कमेटी है, सभी साथी यहाँ बैठे हैं, और सभी गाड़ी भाई गाड़ी वाले ड्राइवर भाई हैं, मालिक हैं, वो भी कल सभी ज़्यादा से ज़्यादा पूरे जिले से अब तक से हमारे आदरणीय जिनकी अध्यक्षता में ये प्रोग्राम हर वर्ष करते हैं चौधरी सतपाल जी, वो भी यहाँ पे पहुँचेंगे। सभी साथियों का यहाँ आपको देखने का मिलेगा। जी बिल्कुल दोस्तों, एक लास्ट में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, और वो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ट्रांसपोर्ट, भाईचारा ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एक ऐसा साधन है, ट्रांसपोर्ट एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारे जीवन की गति चलती है, हमारा जीवन चलता है। जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चीज़ों का आवागमन होता है, इसी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से होता है। भारत देश का जो 70% जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ट्रकों के माध्यम से होता है, और उसी आवागमन से, उसी से चाहे सब्जी की बात करें, जूट की चीज़ों की बात करें, या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की बात करें, ये सब ट्रांसपोर्ट के जरिए ही संभव हो पाया है। ये सब जो ट्रक ऑपरेटर्स भाई हैं, लाख विषम परिस्थितियों के बावजूद भी और दिक्कतें के बावजूद भी उन्होंने इस व्यवसाय को हमेशा अपनाए रखा है, और भारत देश के रीढ़ की हड्डी, मैं कहूँगा कि कश्मीर का सेब जब आंध्र प्रदेश में पहुंचता है, और यमुनानगर से जब कोई चीज़ असम में पहुंचती है, और असम गुवाहाटी का कोयला जब हमारे झज्जर में पहुंचता है, तो हम उन सब चीज़ों का फ़ायदा ले पाते हैं कम कीमत में, कम समय पर। वो चीज़ें दुर्लभ वातावरण में और ऐसी परिस्थितियां में जब ट्रक ऑपरेटर संघर्ष कर रहे हैं अपने व्यवसाय को बचाने के लिए, उनके मन में यह भंडारे की भावना आना बहुत अच्छा संदेश है, बहुत अच्छा सार्थक संदेश है। तो मेरी भी आपसे अपील है कि इस आयोजन में अवश्य पहुंचे। प्रधान जी कुछ कहना चाहते हैं? संजय भाई, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहूँगा, जितने भी हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक राजनीति छोड़कर इस व्यवसाय में जितने भी मेरे भाई ट्रक ड्राइवर हैं, ट्रक मालिक भाई हैं, इन सब का सहयोग करें। और एक जो डिमांड है मैं इसको बताना चाहूँगा, हमें और कुछ नहीं चाहिए, जैसे हर जिले में हर पुरानी जो यूनिवर्सिटी सबके पास अपनी एक स्थायी जगह है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी ये गाड़ियाँ, ये सरकारी जगह है हमारे लिए, गाड़ियाँ ट्रक खड़े करने के लिए, रहने के लिए, मतलब इतनी महंगाई में इतने उसमें भी हम एक रेंट पे यहाँ पे रह रहे हैं। बस एक ही डिमांड है कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी है, कोई भी नेता है, वो हर ट्रक ड्राइवर भाई का साथ दे और हमारी ये डिमांड पूरी कराने में हमारी मदद करे, और इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। बस आपने अभी बताया कि रीढ़ की हड्डी है, तो इस रीढ़ की हड्डी को संभाल के रखे, ये व्यवसाय अगर ख़त्म हो गया तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था ही ठप हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए एक मुख्य मांग भी यहाँ प्रधान मंगल गुलिया के माध्यम से आई है, तमाम वो राजनीतिक दल जो हमारा चैनल देख रहे हैं या वो जिम्मेदार पदाधिकारी इस मांग की ओर गौर करें कि इनको एक स्थायी स्थान यहाँ पर उपलब्ध कराया जा सके, ताकि अपनी गाड़ियों को यहाँ खड़ी कर सके, और अपना जो ड्राइवर भाई है उनके लिए भी यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं इस तरह की जाए, जैसे कि सरकारों की योजनाएं भी हैं, रात्रि विश्राम गृह सरकारें शुरू करती है, या आवासीय व्यवस्थाएं जो सरकार देती है, इनकी मांग पर ध्यान दिया जाए, और भारत देश के इस व्यवसाय को जो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और उत्तर पूर्व से लेकर के मध्य पश्चिम तक एक दूसरे को जोड़ते हैं, एक दूसरे की संस्कृति को बचाए रखने का कार्य जो ट्रक ड्राइवर और ट्रक ऑपरेटर कर रहे हैं, लाख परिस्थितियां विपरीत हो, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, बीमारी हो, हारी हो, त्यौहार हो, लेकिन एक ट्रक ड्राइवर और एक ट्रक ऑपरेटर की कोशिश रहती है कि वो अपने सामान को उस गंतव्य तक, उस स्थान तक निश्चित समय तक पहुंचाए, उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखे, चाहे उसके घर में त्यौहार है या कोई हारी बीमारी है, दिक्कत है, लेकिन एक ट्रक ड्राइवर हमेशा आपको अपनी प्रतिबद्धता के साथ रोड पर नजर आता है। तो ऐसे व्यवसाय के लिए सरकारें ध्यान दें, और ऐसे आदमियों के लिए जो समाज में भाईचारा फैला रहे हैं, 36 बिरादरी के लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, सभी राजनीतिक दलों को यहाँ बुला करके भंडारा आयोजित कर रहे हैं, सरकारें अवश्य इस ओर ध्यान दें और भारत के इस पुराने और विश्वसनीय व्यवसाय को
जमाए रखने में उनकी मदद करें।